ओके सो फ्रेंच ओपन खत्म हो चुका है और उसके भाई साहब क्या फिराले हुआ था, बहुत ही बढ़िया। बहुत टाइम के बाद कुछ अच्छा खासा मजेदार कुछ देखने मिला है बैडमिंटन के अंदर। तो शुरुआत ही करते हैं मैन सिंगल्स से। मैन सिंगल्स की मैच थी जोनाथन क्रिस्टी और उनके सामने थे ली शी फेंग। मेरे चांसेस मुझे कल भी लग रहे थे कि जोनाथन क्रिस्टी ही जीतेंगे, बट ली शी फेंग ने क्या भाई साहब एक कॉम्पिटिशन दिया है। पहला सेट ईजी तरीके से 21-16 से जीत लिया जोनाथन के सामने। बाद के दोनों सेट से उसके अंदर मुझे ऐसा लग रहा था कि यार सेकेंड सेट के अंदर तो क्लियरली मुझे लगा कि जोनाथन हार ही जाएंगे, बट इजी तरीके से उन्होंने बोल सकते हैं कि एक टाइम के बाद खींच लिया पूरा गेम ली शी फेंग से। सेकंड सेट की बात कर रहा हूं, थर्ड सेट अच्छा खासा कॉम्पिटिटिव चल रहा था फर्स्ट हाफ तक। बाद में फिर से जोनाथन ने अपनी जो बोलते हैं ना एक्सपीरियंस और गेम प्ले, उससे भाई 21-14 से फाइनली हरा दिया। स्कोर रहा 21-16 से पहला सेट हार गए जोनाथन, देन 21-15 से जीत गए। और भाई मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन जोनाथन को, ये उनको नीड भी थी। बहुत टाइम से लग रहा था कि वो सेमीज तक तो पहुंच रहे बट जीते नहीं थे, तो मैनी कंग्रेचुलेशन। सेकंड वुमेन सिंगल्स मैच थी जो भाई मैंने कल भी बात की थी कि चेन यू फेई की ये ऐसे टूर्नामेंट्स जीतनी बहुत ही ज्यादा जरूरी इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाती है जबकि वो वर्ल्ड टूर फाइनल्स में ऑलमोस्ट सेमीज या फिर फाइनल्स के अंदर पहुंचेंगी, तब उनके सामने होंगी आन सियंग और उनको कॉम्पिटिशन देने के लिए और कोई इतना ज्यादा मुझे नहीं लग रहा है, बट आन सियंग को हराना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है अभी। तो चेन यू फेई जितनी टूर्नामेंट्स जीतेगी उतनी ज्यादा उनका कॉन्फिडेंस बढ़ने वाला है। तो ये टूर्नामेंट उन्होंने जीत लिए टाई जू यिंग को हरा के 21-17, 22-20 से। सेकंड सेट में मैंने जब पूरी मैच देखी तो भाई उन्होंने टाई जू यिंग ने ट्राई जरूर किया, बहुत ही अच्छा खासा कंपटीशन दिया, बट जो चीज़ मुझे अच्छी लगी चेन यू फेई की कि उन्होंने थर्ड सेट तक जाने नहीं दिया। मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने ऐसा देखा हुआ है कि सेकंड सेट में अगर मतलब टॉप क्लास प्लेयर हो और सामने वाला थोड़ा बहुत ईजी खेल रहा हो तो प्लेयर्स होते हैं वो छोड़ देता है कि यार थर्ड सेट में जाके देख लेंगे सब कुछ, बट चेन यू फेई ने बहुत ही अच्छे तरीके से 22-20 से हरा के स्ट्रेट टू में हरा दिया और भाई बहुत ही अच्छा लगा। मैंस डबल्स मैच की बात करें तो उसके अंदर जो मेरे फेवरेट्स अब बहुत ज़्यादा बनने लगे, मैं हर वीडियो में कहता हूँ और भाई तब तक बोलूँगा जब तक साची लोग एस्टप लोगों को नहीं हराते। तो एस्टप और रस्मुसेन फिक्री मौलाना को हरा चुके हैं 21-14, 10-21 और 21-18 से एस्टप और रस्मुसेन जीत चुके हैं। भाई साहब डबल्स गेम प्ले इनका बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव हुआ है लास्ट एक दो महीने से और बोलते हैं ना वो कॉन्फिडेंस को बूस्ट देना वो था वर्ल्ड चैंपियनशिप्स जो लास्ट मंथ ही हुई थी, तब उन्होंने जो साची लोगों को वो टॉप क्लास प्लेयर्स को हरा के वो लोग फाइनल तक पहुंचे थे तो वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल उनको रहा है कि कॉन्फिडेंस अब बहुत ज्यादा उनका बढ़ चुका है और टूर्नामेंट भी उन्होंने जीत ली। बात करते हैं वुमेन्स डबल्स की तो उसके अंदर लियू और टैन ओरिजिन के नाम सामने थी, किटी थारकुल और प्रजोंग जोई। और भाई ये मैच के बारे में उतना ज्यादा मैं बात इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि जो लियू और टैन है उनका गेम प्ले मुझे समझ नहीं आ रहा था। लास्ट एक दो मैचेस मैंने जरूर देखे, रहा रमा दंती इन लोगों को हरा के आ गए, मैंने मैचेस देखे थे बट मुझे वो गेम प्ले उतना समझ नहीं आ रहा था कि कैसे ये लोग जीत रहे हैं और सब कुछ। ऑफकोर्स उनका अटैक अच्छा खासा है लियू और टैन का, बट वो बोलते हैं ना कि एक पर्टिकुलर गेम प्ले होता है किसी भी टीम का तो वो चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही थी, बट कल मैंने केटी थारकुल और प्रजोंग जोई के सामने जो मैच देखी उससे क्लियर हो गया मुझे कि भाई लियू और टैन नेक्स्ट दो तीन महीने में बहुत ही अच्छे खासे प्लेयर्स उभर के आने वाले हैं। उन्होंने केटी थारकुल लोगों को 21-26, 24 और 21-19 से हरा दिया, ये भी स्ट्रेट टू सेट्स रहा। जब भी कोई पर्सन मतलब कोई भी प्लेयर्स हो स्ट्रेट टू अगर सामने वाले को हरा रहा है ये बहुत ही अच्छी गेम प्ले, आन सियंग यही गेम प्ले खेलती है पूरी जो टूर्नामेंट होती है उसके अंदर स्ट्रेट टू हराने का ट्राई करती है, कभी भी थर्ड सेट तक जाने ही नहीं देती। थर्ड सेट तक जाने का एक ही मीनिंग होता है कि आप अपने अपोनेंट होता है उसको चांस दे रहे हो मतलब खेलने का, हो सकता है कि थर्ड सेट में उसको भाई अंदर से कुछ आ जाए और वो आपको हरा दे। तो चांस है कि पहला सेट अगर आप जीत चुके हो तो ट्राई करो सेकंड सेट में फिनिश हो जाए, थर्ड सेट तक मत जाओ। फाइनली बात करते हैं मिक्स डबल्स की तो यार टैंक थी ऐसी जिनके बारे में बोल रहा था कि पूरे साल बहुत सारे अपसेट्स कर रखे अच्छे खासे प्लेयर्स हैं तो वो हार चुके हैं जियांग और वही के सामने। जियांग और वही 21-17, 15-21 और 21-10, 12 से जो टैंक टीएससी उनको हरा चुके हैं। और भाई साहब यार ये गेम प्ले मैंने जब देखा पूरा मिक्स डबल्स का, टैंक टीएससी जो पूरे टूर्नामेंट और पूरे 3-4 महीने से जो गेम प्ले दिखा रहे हैं उस लेवल का मुझे गेम प्ले नहीं दिखा सच बोलूँ तो। थोड़ा बहुत टायर्ड लग रही थी उनकी बॉडी जब पीछे जाके अटैक्स भी चल रहे थे तो पहले की तरह जो भाई टैंक टीएससी जो लोग था भाई अटैक बहुत ही बढ़िया था, कल थोड़ा बहुत नैरो डाउन लग रहा था बट ठीक है हार गए पर कोई बात नहीं नेक्स्ट टूर्नामेंट्स भी आए रहे। तो ये टूर्नामेंट्स के बारे में सारी चीज़ें थी फ्रेंच ओपन और भाई कौन सी मैचेस आपने देखी और कौन सी मैचेस आपके फेवरेट थी सारी चीज़ें आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। और नेक्स्ट जो वीडियोस आएंगे उसके अंदर मैं कुछ नया ट्राई करने वाला हूँ, विक्टर एक्सेलसन के रिलेटेड कुछ आने वाला है कल या परसों ही, तो उसके लिए रेडी रहना।